हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं लौकी गोश्त की बेहद मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी। जब आप इसको इस तरह से बनाएंगे, जो भी खाएगा बिना तारीफ के नहीं रह पाएगा। और दूसरा, यकीन मानो, जब आपने अगर इस तरह से ये लौकी गोश्त बना लिया तो आप सारे तरीके भूल जाओगे, बस यही वाला तरीका हर बार अपनाओगे। चलिए फिर फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। लौकी गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 500 ग्राम गोश्त, जिसको अच्छे से धुल लिया है, और एक बड़ा प्याज लिया है जिसे रफली चॉप करके हमने इसमें डाल दिया है। आधा ग्लास से थोड़ा ज़्यादा हमने यहाँ पानी डाला है, और उसके बाद यहाँ हम ऐड कर देंगे नमक। भाई, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लिया। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो एक बात का ख्याल रखना है, हमें लाल मिर्च पाउडर यहाँ हमने ऐड किया है एक बड़ा चम्मच, और हम हरी मिर्च का भी इसमें यूज़ करेंगे। आधा छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटे चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच लहसुन, एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट डाला है, एक मीडियम साइज का चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के सबको अच्छे से मिला लेना है। और भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मसालों को गोश्त के साथ अच्छे से मिला लिया है, और हाई फ्लेम पे हमने लगा ली है यहाँ पर 3 व्हिसल। उसके बाद ढक्कन हटा के इसको हम गोश्त को काफ़ी अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। मतलब हमें जितना अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे ना, उतना बढ़िया टेस्ट आएगा। तो गोश्त को आप काफ़ी अच्छे से भून लीजिएगा। उसके बाद यहाँ हमने लिए 1 किलोग्राम लौकी, तो हमने 1 किलो लौकी लिए, जिसको छील कर धुल कर काट लिया है। और इसमें जब गोश्त काफ़ी अच्छे से भून जाएगा, ऑयल सेपरेट दिखने लगेगा, जब ऑयल अलग दिखने लगेगा तब हम यहाँ पर लौकी कटी हुई डाल देंगे। लौकी डालने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था करीब 7 से 8 मिनट के लिए। अब लौकी जब हमने इसमें डाली तो यहाँ हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, तो याद रखिएगा पानी का हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। लौकी डालना है और आपको 3-4 हरी मिर्च डाल देनी है। अगर आपको थोड़ा तीखा और ज़्यादा रखना है तब आप यहाँ पर हरी मिर्च अपने हिसाब से बड़ा या कम कर सकते हैं। सब कुछ इसे मिला लेने के बाद इसे करीब 7 से 8 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है। बीच बीच में हमें चेक कर लेना है। अगर आपकी लौकी बिल्कुल कच्ची है तो बहुत जल्दी गल जाएगी, या थोड़ी पकी यानी कि थोड़ा ऐसे होता है, बहुत कच्ची लौकी जल्दी गल जाती है और कुछ लौकी थोड़ा टाइम लेती है, तो आप बीच बीच में वही चेक कर लीजिएगा। एकदम पूरी तरह से ही हलवा नहीं बननी चाहिए, यानी कि पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से बिल्कुल नहीं गलानी है। बस हमें जैसे नॉर्मल लौकी हम गलाते हैं, अच्छे से पीसेस जो हैं वो गल जाएँ, आसानी से टूट जाएँ, इतना गलाना है। और इसको सारे पीसेस को हमें नहीं तोड़ना है, कुछ कुछ पीसेस को तोड़ देना है चम्मच की मदद से। उसके बाद आप यहाँ पे बहुत सारा बारीक कटा हरा धनिया डाल दीजिए, यानी कि हमने आधा कप बारीक काट के हरा धनिया डाला है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। सबको अच्छे से मिला लेना है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा और पकाइए करीब 2 मिनट के लिए, और बाद में आप चेक करिए। भाई खाओ पियो, बहुत ही बढ़िया ये लौकी गोश्त बनकर तैयार होगा। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी ये रेसिपी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।